हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन मेमोरिया एंड वेलकम टू यूपीएससी विद जतिन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 की लास्ट डेज स्ट्रेटेजी के बारे में। कि जैसा आप सबको पता है कि आपके पास अब बस 18-19 दिन बचे हैं, 9 सितंबर से आपका कभी भी पेपर हो सकता है 26 सितंबर के बीच में। सो आखिरकार अब किस तरीके से प्रिपेयर करना है, या फिर अब जो आपको सेल्फ डाउट या फिर एंजाइटी हो रही होगी प्रिपरेशन को लेकर कि क्या मेरा लिख लेगा कि नहीं लिख लेगा, क्या जो मेरे मॉक में नंबर आ रहे हैं वो एग्ज़ाम टाइम पर रिफ्लेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या फिर अगर मॉक में मेरे नंबर 120 130 में अटक गए हैं तो उसको मैं ऊपर कैसे करूं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो तो 2023 वाले में जो आपका कट ऑफ इतना ऊपर किया था वो इसलिए किया था क्योंकि वैकेंसीज आपके पास कम थी, लोगों की प्रिपरेशन तो 2022 के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी, इसलिए कट ऑफ जो आपका 150 के आसपास किया था। इस बार जो मेरे को पर्सनली लगता है जो उसका कट ऑफ जाएगा ना वो आपका 135 से 140 के आसपास ही जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि CHSL का बहुत ऊपर गया है, ये गया है, वो गया है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। मुझे जो लग रहा है ना वो लग रहा है, ठीक है, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बट हाँ, मैंने जब मैं प्रिपेयर भी कर रहा था तो उस समय भी जो भी मैं कट ऑफ बोलता था ना वो ही कट ऑफ जाता था, और पेपर से पहले ही मैं बोल देता था। सो आई थिंक कि 135 से 140 के आसपास जाएगा। बाकी इस वीडियो को आप बाद में भी चेक कर सकते हो कि कट ऑफ ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। एंड मूविंग अहेड कि आखिरकार आप लास्ट टाइम में प्रिपेयर कैसे करना है, तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेशर में बिखर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेशर में निखर जाते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता था कि मेरे मॉक में कभी भी नंबर नहीं आते थे। मैंने जब टीयर वन दिया था, मेरे टीयर वन में 150 मार्क्स आए थे विदाउट नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 158 या 160 के आसपास कुछ हो गए थे। सो मेरा टीयर वन क्लियर हो गया था, उस समय 150 ही कट ऑफ गया था विद आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। एंड वो मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, मेरे टीयर वन में कभी भी 150 नंबर टच हुए ही नहीं थे 2023 के मॉक में, ठीक है। और जो मेरा टीयर टू था उसमें 317 जो मेरे एग्जाम में फाइनल स्कोर आया था वो मेरा कभी टच नहीं हुआ था। मेरा बस एक बार 300 का आंकड़ा पूरा हुआ था, बाकी हर टाइम मेरे 270 नंबर आते थे, ठीक है। तो ऐसा होता है कभी कभी आपका मॉक को देख के मन ही नहीं करता है कि आप अपना 100% दो। सो मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा होता है, मैं चाहे कितना भी सीरियस होकर मॉक देने बैठ जाऊँ बट मुझे पता है कि वो मॉक है, ठीक है, तो मैं उसे ढंग से नहीं देता हूँ। साथ ही साथ अगर आप मॉक देखोगे तो वहाँ पर आप देखोगे दूसरे बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो लोग रीटेस्ट भी देते रहते हैं, ठीक है। तो वो एकदम 100% करेक्ट नहीं है जो भी आप उधर देख रहे हैं कि आपके परसेंटाइल क्या है, ये क्या है। एक तो क्या है ना कि आप मान सकते हैं कि जो टेस्ट बुक वगैरह ये मौके थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे, इसलिए आपके नंबर कम आते हैं, और दूसरा आप इतना सीरियस होकर नहीं देते हैं, तो प्लीज़ टेक अ चिल पिल, ओके, कूल डाउन। अब बाकी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम जो मेरे नंबर अभी अच्छे आ रहे हैं 150-160 में टच कर रहा हूँ, बट हर बार मैं पेपर में जाके अंडर परफॉर्म करके आता हूँ। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, थोड़ा सा मेडिटेट करो और कोशिश करो यार ये प्रेशर को डील करने का, ठीक है। मतलब पेपर जैसे अगर आपको सिंपल लगे ना तो ये मत सोचना कि मुझे 160 लेके आने हैं, मुझे 170 लेके आने हैं, ना। पेपर में ये चलना ही नहीं चाहिए कि मुझे कैसे क्या लेके आने हैं, मुझे बस 100% एक्यूरेसी देनी है मेरी। मतलब अगर मैं कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो वो सही होना चाहिए, क्योंकि यार क्वेश्चन तो यहाँ पर हर कोई बना लेगा, बट अगर मैं एक क्वेश्चन गलत करता हूँ तो मैं 4 नंबर पीछे जाऊँगा, सीधे सीधे 4 नंबर, और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। 4 नंबर मतलब अगर मैं ऊपर जाऊँगा, मतलब जब मैं सिलेक्शन वाली पोस्ट पर हूँ तो 4 नंबर मतलब 4000 लोगों के पीछे, ठीक है। मतलब आपका सीधा आपकी एक अच्छी पोस्ट आपके 4600 गेट पे से आप जैसे 2800 गेट पे आ जाओगे, 24 पे आ जाओगे, 28 पे आओगे, राइट, PA से अगर है इस साल ओपनिंग, तो मुझे पता नहीं, जानकारी नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अपने जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करो, GK का एक ही पर्टिकुलर चैनल फॉलो करो, जैसे अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग परमार SSC के ही वीडियोस देखो, उसमें भी क्या है ना कि बहुत सारी वीडियोस हैं उनकी, कभी निट्टो सीरीज चल रही है, कभी कोई वो फैक्ट्स वाली चल रही है, कभी प्रीवियस ईयर वाली चल रही है। तो एक पहले डिसाइड कर लूँ कि क्या मेरे को PYQ करनी है, ओके, अगर मुझे PYQ करनी है तो मैं PYQ करूँगा, देन उसी सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद मैं उसको रिवाइज करूँगा, और जो बाकी सीरीज़ है आप आपके पास टाइम या बाकी सीरीज़ कर पाओ, अगर एक्सेल करना है तो बस उनके नोट्स पढ़ो, क्योंकि उन सीरीज़ को कंप्लीट करने में आपको ऐसे अगर एक या दो दिन लग रहा है ना, आप उस नोट्स को हार्डली 2 से 3 घंटे में निपटा दोगे। तो अब लास्ट टाइम में इस तरीके से स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने दिया था तो मेरे से निट्टो सीरीज़ मैंने कंप्लीट करी ही नहीं थी, मुझसे हो ही नहीं पाया था, टाइम ही नहीं था, क्योंकि मैं जॉब करता था उस समय। सो मैंने क्या किया, मैंने लास्ट डे सीधे सीधे जो वो PDF होती है ना क्लास की, वो उठाई, रिवाइज करी और वो पढ़ के मैं चला गया। ऑब्वियसली आप 100% तो नहीं ले पाओगे, बट एटलीस्ट आपके वो 20% एफर्ट्स आपको 80% रिजल्ट दे देंगे, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा चल रहा हो, मेडिटेट करो, जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो उसी तरीके से प्रिपेयर करते रहो, इतना सेल्फ डाउट में मत फंसो, आपने बहुत अच्छे से एफर्ट्स दिए हुए हैं, अपने नोट्स रिवाइज करो। और आप अगर आपका GK कमज़ोर है ना तो ऐसा करो कि आप मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग इसमें मार्क्स लूज़ ना करो, ठीक है। आप रीजनिंग में कुछ अपने जो फिक्स पैटर्न है ना उसके नोट्स बना लो कि ये पैटर्न आते हैं, मैं इन पैटर्न को पढ़ूंगा। वोकेबलरी में आप अगर स्मार्ट स्टडी करनी है किसी किसी को, वोकेब अभी कमज़ोर है
तो आप रानी मैम की जो वोकैब्स की क्लासेस है, मैराथन है, एक 11 घंटे की होगी, सीधा आप बस उसको निपटाइए, ठीक है। ग्रामर रूल्स की भी शायद उनकी 11 घंटे की वीडियो है, उसको निपटा सकते हैं। और मैंने बताया हुआ है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ईवन एजुकेशन सेंटर है, वहाँ पर एक सर है, उन्होंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप वो निपटा सकते हैं। ये स्मार्ट स्टडी अप्रोच है कि आप इतने कम टाइम में किसी चीज़ों को कवर कर सकते हो। बाकी अगर मैथ्स की बात करनी है तो जैसे आपको अगर मैथ्स कैसे मालूम करनी कि मैथ्स का मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है, जैसे अगर आप हर बार एक क्वेश्चन देख रहे हो मिक्सचर इक्वेशन का और उसको देख के आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन है, मुझे टाइम लग रहा है, भले मैं उस क्वेश्चन को हर बार सही कर ले रहा हूँ, मुझे टाइम लग रहा है, या फिर मुझे जैसे ही मैं क्वेश्चन देखता हूँ मुझे बेकार लगता है कि यार ये क्वेश्चन फिर आ गया, ठीक है मेरा टाइम जाएगा, मैं हेड एंड ट्रायल कर रहा हूँ, तो आप उससे रिलेटेड एक डालो कंप्लीट मैराथन, और जो आपको 2 घंटे की, 1 घंटे की, 4 घंटे की मिले, जिसको आपको लगता है कि मैं एक दिन में निपटा सकता हूँ, वो वीडियो उठाओ, वो वीडियो निपटा दो। तो उससे आपका क्या हुआ ना कि वो जो चैप्टर था वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। और अब कोई नई शॉर्ट ट्रिक सीखने की कोशिश मत करना मैथ्स में, क्योंकि आप सीख लोगे, 100% सीख लोगे, बट एग्जाम टाइम में, एग्जाम प्रेशर में उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप उस नई शॉर्ट ट्रिक को इंप्लीमेंट कर पाओ। सो फोकस ऑन योर बेसिक्स, ठीक है, जो आपके बेसिक्स है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करके शार्प कर लो, शार्पन कर लो, और उस तरीके से एग्ज़ाम में जाओ और उस तरीके से उसको करके आओ, ठीक है। बात रही आपके जीके की, तो जीके में मैंने बोला कि आप नोट्स रिवाइज कर सकते हो शॉर्टली जल्दी से करने के लिए, और हाँ करंट अफेयर किस तरीके से करना है, मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि करंट अफेयर रोज करने की चीज़ नहीं है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको करंट अफेयर करने हैं तो जस्ट डू वन थिंग कि आप अभी सर्च करिए कि स्पीडी कंप्लीट 6 मंथ करंट अफेयर्स, ठीक है, और ऐसे मल्टीपल चैनल आ जाएंगे, उसको बस लगा के सुनने दो, कान में चलने दो, बस वो नाम आपको सुनने एक बार कि हाँ ये नाम है, ये नाम है, ताकि जब आप उसे जीके में देखो तो आपको याद जाएगा कि यार ये सुना सुना लग रहा है, एंड देन उसको लगा देना। उसको अपन लॉजिकल तुक्का कहेंगे, प्योर तुक्का नहीं रहेगा, ठीक है, बट एक तरीके से उसको कर सकते हो। बाकी परचम क्लासेस हैं, रिचा मैम है, वो करंट अफेयर की वीडियोज़ डाला करते हैं मंथली वाइज, तो आप उनको देख सकते हो, तो उससे आपका एस्थेटिक और वो उसको कम, मतलब एक तरीके से एस्थेटिक को करंट अफेयर्स के साथ पढ़ाते हैं, तो उस तरीके से आपका एस्थेटिक भी एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। एंड बस अब मैं कहूँगा कि दिन में 1 मॉक 2 उसको अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है, और अगर लग रहा है कि मॉक में नंबर कम ही हो रहे हैं और मेरा मॉक से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस टाइम पे, तो अल्टरनेट डेज पे मॉक दो और बाकी टाइम अपना जो का जो फैक्ट्स है, जो डेटा है ना, वो अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करो, ठीक है, कि धीरे धीरे मेरे को ये रट लेना है, ये चीज़ें मेरे को सब कुछ दिमाग में लानी है। सो उस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा आपका स्कोर आएगा। बाकी ये जो एनजाइटी है इसको बोलो थोड़ी देर कि हाँ हाँ तू होगी ही होगी, बट अभी जो मैं कर सकता हूँ ओवर थिंकिंग ना करके मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, तो जस्ट डू योर स्टडीज़, अच्छे से पढ़ो और काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे आप, ठीक है। और एक अगेन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आपका भी मॉक का स्कोर है ना, वो ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि आप फाइनल डे पे कितने मार्क्स लेके आने वाले हो। इवन अगर आपका स्कोर अभी 170-180 है, कोई गारंटी नहीं है कि आप 100% प्रीलिम्स निकाल लो, और अगर आपका स्कोर 120 है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका 100% नहीं निकलेगा, ठीक है। सो कीप फेथ ऑन योरसेल्फ, ठीक है, बस दैट्स इट दिस वीडियो, मिलते अगली वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जितिन भुरिया। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, यू कैन फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बाय बाय।